जीव का यही एक चीज है, बहुत ही बंदा यूनिक भी है और बहुत ही प्यारा भी है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली मुझे देखता है कि मैं ऐसे करके ऊ करना पड़ेगा, ऐसे अगर आप ऊ कर रहे हैं तो नहीं करेगा, आपको भी उसी की तरह ऊ करना पड़ेगा तब वो करेगा, आप देखेंगे। जीव जीव ऐसे नहीं करेगा, अभी मैं करूंगी देखिए वो करेगा। जीव जीव देखो जीव, वो छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो, उनको लकड़ी तोड़ना, लकड़ी को चबाना, वो उनके जो दांत है ना, दांत जितना ऐसा बाइट करता है उनको अच्छा लगता है। जैसे हम इंसानों का भी होता है ना, कभी कभी पूरा दांत के से तो लगता है कुछ एक दबा देने से अच्छा लगता है, और खास करके जीव का तो अभी दांत सब निकल रहा है, नए नए बहुत सारे दांत उसके निकल रहे हैं, और उसके जो दूध वाले दांत थे दोस्तों वो सारे टूट गए जीव के, एक एक करके मैंने उसके छह की आठ दांत शायद उसका टूटा है और सारा नया नया निकल भी आया, और अभी जीव का दांत एकदम पूरा बोलते ना एकदम फ्लैट, ये देखिए कैसे बोल रहे, देखा आपने मैंने जैसे जीव के बारे में बोला जीव उल्टा हो गया, क्योंकि अभी वो चाहता है कि वो ऐसे उल्टा हुआ है तो मैं उसको जाके सहलाऊं, ये सब उसका ट्रिक है, मुझे पास में बुला लेगा, क्योंकि उसको लग रहा है अभी मामा ज्यादा पटर पटर हो रही है, और ज्यादा पटर पटर उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको अच्छा लगता है उनको पकड़ के ऐसे आप सो जाओ, ऐसे पकड़ के खाली उसके बारे में ही आप बोलते रहो, तो ये सारी चीजें उनको समझ में आता है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम अपने भाषा में बोल रहे हैं उनको क्या समझ में आ रहा है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, हमारा हर भाषा वो लोग समझते हैं हम क्या बोलते हैं। मैं अगर बोलती हूँ, आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा मैंने जीव को बोला जीव बॉल लेके आओ, तो जीव जाके बॉल लेके आया, इतने सारे खिलौने हैं, उसके बावजूद भी उनको पता है वो बॉल है, वो डॉल है, और वो रस्सी है खींचने वाला रस्सी है, और वो बॉटल है, सब पर्टिकुलरली सब मालूम है। जैसे बोलते हैं ना एक छोटा बच्चा कैसे घर में रहते रहते, हम तो उनको कोई भाषा सिखाते नहीं है ना, हम सिखाते हैं कि आ बोलो ओ बोलो, हाँ हम बचपन में सिखाते हैं मम्मा बोलो पापा बोलो, वो सब बोलने से वो लोग पहले पहले तो बोलते बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये लोग तो बोल नहीं पाते हैं दोस्तों, लेकिन ये लोग बहुत ही समझदार है, बोलते हैं ना जो कि इंसान के बच्चे दो महीने में कुछ भी उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन डॉग के बच्चे हो कि कोई भी और भी एनिमल्स हो, उन लोगों का समझ बहुत जल्दी आ जाता है, और इसी वजह से ही शायद वो लोग हम लोगों से ज़्यादा समझदार है। अभी देखिए जुड़ने का शुरू हो गया, क्या हुआ क्या हुआ, लियो जीव से जितना बोलता है ना प्यार करता है, उससे ज्यादा वो उसकी माँ बनने की कोशिश करता है, कि जीव को सुसु लगा तो उसको पता लग जाता है, वो सूख के बोलेगा मम्मा उसको सुसु लगा चलो उसको बाहर ले चलो, उसको पॉटी लगेगा तो वो बोलेगा, मैं लियो को देख के मुझे पता लग जाता है कि जीव को सुसु लगा है या जीव को पॉटी लगा है, और लियो का तो जब भी सुसु लगता है या पॉटी लगता है उसका एक वॉइस एक अलग सा है, जो कि वो और मैं ही समझ पाते हैं, इवन कि उसके पापा भी वो समझ नहीं पाते हैं, वो उसका और मेरे बीच का आपस का बॉन्डिंग है, कि लियो क्या बोलना चाहता है क्या चाहिए उसको वो मैं ज्यादा जानती हूँ डोंट उसके पापा भी जानते हैं, लेकिन वो मेरे साथ ज्यादा अटैच है, इसीलिए उसके पापा बोलते हैं ये तुम्हारा लाडला है बोल के, ये ना अप्पा ये मेरा लाडला है, ये मेरा लाडला चला गया, उछल कूद वाला गेम बहुत ही अच्छा लगता है उनको, बैठ के बोरिंग वाला गेम बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए बोलते हैं ना जर्मन शेफर्ड बहुत ही एक्टिव रहता है, और एक्टिव तभी रहेगा जब वो हेल्दी खाना खाएगा, जब वो हेल्दी एक्सरसाइज करेंगे, अगर आप उसको हेल्दी खाना नहीं देंगे हेल्दी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करवाएंगे तो फिर जर्मन शेफर्ड भी बहुत मैंने मोटा हो जाता है, और उसी से क्या होता है मैंने उनका बीमारी होना शुरू हो जाता है, और अभी तो हमारे लियो 1 साल 8 महीने का हो गया है, तो भगवान की दया से अच्छा उसका सेहत है, हाँ थोड़ा बहुत कभी कभार कुछ कुछ बीमारियाँ हो जाती है, जैसे कि इंजेक्शन वगैरह का कभी कभार हो जाता है, कि खाने का कुछ गड़बड़
या फिर टाइमली खाना नहीं खाता है कभी कभार और कुछ। और सबसे जरूरी बात है डॉक्टर दोस्तों, डीवर्मिंग टाइम टू टाइम कराना। अगर आप डीवर्मिंग टाइम टू टाइम कराएंगे और जो वैक्सीनेशन होता है वो टाइम टू टाइम आप अगर देते रहेंगे तो आप देखेंगे डॉग की कुछ ज्यादा बीमारियां होती नहीं है। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में डॉग को लेके आते हैं, उनको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है। ए, ए, oh
डॉल डॉल कहाँ है? डॉल 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 कहाँ है? डॉल लेके आओ, टेडी बेयर लेके आओ, जाओ जाओ डॉल लेके आओ, डॉल लेके आओ। कौन सा डॉल चाहिए तुमको? लेके आओ, लेके आओ डॉल, लेके आओ। दोस्तों ये डॉल को लेके कल एक हमारे घर में खमाखान झगड़ा हो गया लियो और ज्यू के बीच में। लियो ने ले लिया डॉल, तो ज्यू पूरा दिन भर कल मुंह खुला के रहा। और उसके बाद लियो आया हमारे पापा के पास कि पापा चलो ना थोड़ा सा ज्यू को मनाएंगे, ज्यू मान नहीं रहा है। तो उसके पापा को लेके आया और लेके आके उसके पापा को बोला कि ज्यू को थोड़ा सा आडू करो, फिर मैं भी आडू करूंगा, दोनों मिलके मनाएंगे। कौन सा चाहिए? ये वाला चाहिए, चाहिए, चाहिए। कौन ऐसे करता है? ऐसे कौन करता है? कौन करता है ऐसे? ये देखो तो, देखो तो, ज्यू, ज्यू जो छोटे-छोटे दांतों से ऐसे किटी-किटी कर देता है दोस्तों, पूरा लियो का ये पूरा ये कर दिया है। ये देखो, देखो, देखो मामा खान को देखो, 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 देखो। खेलते खेलते शुशु करने का टाइम हो गया उसका, देखा बदमाशी करते हैं दोनों, बदमाशी करते करते